नमस्कार बच्चों, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए यहाँ पे एक अपडेट आई है भाई। जो MDU की वेबसाइट है student.mdu.ac.in, आप इसके ऊपर जब लॉग ऑन करेंगे तो तब इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट पोर्टल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल के अंदर आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है रीअपेयर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। BA और BCOM वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले हैं वो स्टार्टेड हो चुका है और उसकी लास्ट डेट जो है वो है 31/5/2021, यानी कि रीअपेयर वाले कैंडिडेट अब अपने BA BCOM के फॉर्म फर्स्ट और सेकेंड ईयर के भर सकते हैं। सेकेंड जो है नोटिफिकेशन, इसके अंदर कहा गया है जो रीअपेयर के स्टूडेंट हैं MA MCOM के MSc के फर्स्ट ईयर के, तो वो भी अपनी जो अपनी फॉर्म है फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है रीअपेयर वगैरह फॉर्म की 31 मई तक। ठीक है बच्चों, आप लोगों को फॉर्म भरने कैसे हैं, अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे मैसेज करता है मुझे पर्सनली, नीचे दिए गए ग्रुप के ऊपर आपको व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में के लिंक में भी दिखा मिल जाएगा और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फॉर्म फिलअप करके बताऊं तो आप लोगों का फॉर्म फिलअप भी कर दूंगा मैं उस, लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है जिसका फॉर्म फिलअप होगा मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे, ताकि सभी बच्चों के पास वो वीडियो चली जाए, क्लियर है, और बाकी बच्चों की भी समस्या दूर हो जाएगी इससे। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है बच्चे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूज़र आईडी आपका होता है आपका लगभग आपका 11 से 12 अंकों का भी होता है, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्स। और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप क्रिएट यूर अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है यानी कि फॉर स्टूडेंट हैविंग MDU रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो MDU का सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर रख रहे हैं और उनके पास अकाउंट नंबर नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यहां पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी डिटेल फिल करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट थी। इसके अलावा आप लोगों को पल पल की खबरों की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।